सीसी वाला पेप्सी मंगवा के पी रहा है ये। और अब है बारी गाजर की। सबसे पहले मैं डालूंगा इसको। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है भाई। कल हुआ इनको मधुमक्खी ने काट दिया। अबे रुक जा, पानी मत डाल। और ये जो है जो वो कॉमेडी वाले थे आए थे, जो हम लोग आइस एप्पल खा रहे थे, तो उस टाइम जो कॉमेडी कर रहे थे ना, जो अंकल थे, उनके भाई हैं ये। ये जो है ना लुंगी में, ये उनके भाई हैं। ये उनसे भी बड़े कॉमेडी हैं। और यहाँ पे देखो अभी अभी दूध निकाला गया है। दूध निकाल लिए? हाँ। ये देखो यहाँ पे दूध। और इस लड़के को 5 बिच्छू ने काटा था, फिर भी ये एकदम देखो एकदम पूरा खड़ा है। और उनको एक काटा था। काम अकेले संभाल लेते हैं, मेरे में वो पावर है। ओए भाई साहब, और उनको एक काटा था, उनका हालत खराब हो गया था। और मुझे तो और मुझे आधा बिच्छू काटेगा तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। यहाँ पे देखो अभी भी पानी डाला जा रहा है। अभी यहाँ का माहौल थोड़ा सा ऐसा ठीक लग रहा है। अभी चारों तरफ बहुत ही ज्यादा ड्राई ड्राई था। इस मिट्टी के ऊपर भी अभी अभी पानी डाला है। कब जा रहे हो लाने के लिए? अब जा रहे हैं। याद है ना क्या क्या लाना है? हाँ। क्या क्या लाना है बोलो एक बार। शिमला मिर्च। हाँ। और उसके बाद अरे सतकौन अपने हाथों से रोल बनाने वाला हूँ, वेज रोल। बाहर का नहीं खा रहा हूँ क्योंकि बाहर वाला थोड़ा हाइजीन नहीं होता है, नो डाउट। बाकी उसमें मैदा का भी मात्रा ज्यादा होता है। और घर पे मैं वो सब चीजों को मद्देनजर रख के बनाऊंगा, हेल्दी वाला काइंड ऑफ बनाऊंगा, ठीक है? तो वो आप लोग देखना। अभी थोड़ी देर में जा रहा है बंदा मटेरियल लाने के लिए। मटेरियल लाने के बाद पानी के साथ पूरा गीला हो गया यार। हुँ? पूरा गीला हो गया। कौन बोला पाइप पानी पीने? अगर ये मुझे पानी पिलाएगा तो मैं और गीला हो जाऊंगा। खुद से ही पी सकते हैं। इतना दूर जा रहा हूँ, पहले पी लेते हैं यहाँ से। इतना दूर ला पी के देखता हूँ। बकवास कर रहा है। यही बेटर था यार, यही बेटर था। हर बार ऐसे ही पीता है, पता नहीं। हाँ मैं भूल गया था यार। तो हमारे घर का सफाई शुरू हो चुका है। यहाँ पे इतना सारा झाड़ हुआ करता था, अभी अभी देखो सबका सफाई हो चुका है। और ये सब ना खाने वाला साग है, लेकिन अभी इसको बनाया नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और ये बहुत ओवर साइज हो गया है। ये ना जब छोटा होता है तभी इसको काट के बनाना होता है। यही चीज़ें अगर बाहर हों तो ज़्यादा वैल्यूएबल होंगी। अब घर पे ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ना कहीं भी इसका वैल्यू कम हो जाता है। इसको एक मौका चाहिए, बस फटाक से भागता है। क्या कर रही हो भाई अभी इतना शाम तक? पेड़ पौधे लगा रहे, देख रहे हो इनको? तो हटेगा कि नहीं हटेगा यहाँ से बता तो। कहीं और जाएंगे तो वहाँ भी जाएगा ये। बोल हटेगा कि नहीं यहाँ से? नहीं हटूंगा। बोल मम्मी के पास बैठा। बोल बोल बोल, बोल क्यों नहीं हटेगा? बोल तो अपनी मम्मी के पास बैठा हूँ। मामा बोल के खा एक बार। बोल मम्मा प्यारा बेटा। अरे कैसे नाक पकड़ के वो करते, एक बार कमेंट पड़े थे कि नहीं कि तुम्हारा मुंह ऐसे ही पकड़ के रख दूंगा मैं। वैसे लोग तो ये भी कमेंट करते हैं कि गिन्नी को मारो, इसने सिखाया नहीं अपने बच्चों को कुछ, इसीलिए इसके बच्चे पिटते रहते हैं। आप तो अपने इंसान के बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाए, तुमको कैसे पता उनके बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं कर सकते? जो ऐसा दूसरों को एडवाइस देते हैं ना, वो खुद के बच्चे पे कुछ काम नहीं करते। तो यहाँ पे सब कुछ देखो मैंने ला के रख लिया है। हमारे किचन में एसी नहीं है ना, तो यहाँ पे एसी के चलते मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ ताकि गर्मी ना लगे और अच्छे से सब कुछ काट लूँ। भाई सबसे पहले शुरुआत करूँगा मैं किस चीज़ से? शिमला मिर्च से। बाकी जितना भी कुछ है इसमें, ये कैबेज, ये कैरेट, ये सब अनियन, इन सबको मैं पहले इस बोल में डाल देता हूँ यहाँ पे इसके अंदर ताकि ये लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें। ये सबको डाल दिया इसमें। बाकी ये है बीट रूट, इसको भी डाल देते हैं इसमें। इसको पहले ना एकदम पतला पतला काट लेते हैं। इसको सबसे पहले पतला काटना है। पता है अगर इसको मोटा काटेंगे ना तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा, तो बस ये सीन होता है, इसलिए बस इसको पतला काटना होता है। तो शिमला मिर्च ऑलमोस्ट कट चुका है सारा और मेरे पूरे कमरे में प्याज का स्मेल जो है फैल चुका है। और ये स्मेल ना कितने दिनों तक जाने वाला नहीं है। देखो बहुत बारीक तो नहीं है लेकिन जितना भी है इतना चल जाएगा, है ना?
अच्छे से दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ मैं? हाँ अभी शायद दिख रहा होगा अच्छे से। मेरा सिर कट तो नहीं रहा है? ये एक चीज़ मैंने काट लिया, तो एक चीज़ को साइड में रख देते हैं यहाँ पे। और अब है बारी गाजर की, तो गाजर को पहले छोटा करना पड़ेगा इतना। और गाजर के बीच का जो हिस्सा है ना, इसको निकालना पड़ेगा। वैसे ऐसा नहीं लग रहा ये कुकिंग वीडियो हो गया है? मैं ये वैसे कुक कर लेता हूँ बहुत बचपन से ही। ये देखा, बीच का हिस्सा निकाल दिया ना ये गाजर का। ये वैसे अगर हम लोग रॉ गाजर खाते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन इसमें ना ये काम का नहीं होता है, तो इसलिए ये बीच का हिस्सा निकाल देते हैं। देख रहे हो बहुत ज़्यादा टफ है ये। ये निकल गया दूसरा भी, बाकियों में से भी निकाल लेते हैं। 15 मिनट हो गया और 15 मिनट से मैंने बस ये काटा है और ये काटा है। इसी वाला थोड़ा टफ था, अब काटूंगा ये बीट रूट। तो देख सकते हो मैंने काट के सब कुछ एकदम शेप में कर दिया है। प्याज वैसे मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे किसी को एंट्री नहीं करने दूंगा जब तक मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पे है पत्ता गोभी, ठीक है। सबसे पहले मैं डालूंगा इसको, कैरेट को, और साथ में फिर बीट रूट को। तो अभी दोनों चीज़ मैंने डाल दिया है, तो अभी तो मैंने सब चीज़ डाल दिया है इसके अंदर, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी कैबेज बचा हुआ है, देख रहे हो कैबेज है यहाँ पे, और अभी बस इसको करना है। बाकी हमारे जो कुक साहब हैं उनसे बोल दिया मैंने मैदा वो करने के लिए, वो मैदा वो सब करने मुझे नहीं आता है, ना उसको गोल करने आता है, ना उसका रोटी बनाने आता है, तो वो सब कुछ वो करेंगे। बाकी रोल मैं बनाऊँगा और फॉइल पेपर में रोल करेंगे। पहले 4-5 रोल कर लूँगा मैं फॉइल पेपर में, उसके बाद खाना शुरू करेंगे और सबको टेस्ट कराएंगे। तो यहाँ पे ना मैंने एक्स्ट्रा बीट रूट डाला था इसलिए, ताकि ये पत्ता गोभी है ना इसका कलर एकदम लाल लाल हो जाए। जब तक इसका कलर लाल नहीं होता है ना मज़ा नहीं आता है। बाकी जो वेजीज़ है ना इनको साइड में देखो मैंने रखा है, अभी इसको थोड़ा सा पकाना बाकी है। तो देखो अभी तक 3 रोल मैंने बना दिया है, बाकी और बना रहा हूँ। कैसा लगा तुमको यार? सो गुड, वेरी नाइस, एनीथिंग, बहुत 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 बढ़िया, ऊपर से भी ऊपर। आपको ये पूरा क्रेडिट जा रहा है। थैंक यू यार। तो मैंने मेरा बर्तन देखो यहाँ पे है, ये सब ये मैं धोऊंगा नहीं, ये मेरा भाई धोएगा। बाकी ये देखो इतने सारा रोल है, अभी हम लोग जाके सब लोग साथ में टेस्ट करके बताने वाले हैं कि टेस्ट कैसा है। तो हमारा रोल बन के तैयार है, और ये रोल किसने बनाया? तुमने मैंने बनाया, ठीक है। तो ये रोल मैंने ही बनाया है, वो तो पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया, पूरा पूरा अकेले ही रिकॉर्ड किया है मैंने। और ये लोग भाई भाग गए थे, कोई साथ भी नहीं दिया। संभाल के नीचे का इसका अभी अभी टेस्ट मत करना बिना मेरे बोले। तुम भी ले लो खाते में। हाँ, मैं भी लूंगा। अरे यार ऐसे कौन तर पाता है खाने के लिए? प्लीज रुक जाओ ना, मुझे पूरा कंप्लीट तो करने दो। ये कोई सालों ने साथ नहीं दिया है, सब साला भागे थे अपने अपने काम में, कोई खाएगा नहीं। मैं भी रोज रोज खाना बनाती हूँ तो बोलूं। ये थोड़ा स्पेशल है ना यार। तो अकेले अकेले सब कैमरा वैमरा सब पकड़ा मैंने, अकेले सब किया। अंदर सॉस है ऑलरेडी यार। है और क्या, अभी रुको ना। तो अब है टेस्ट करने की बारी, रुको। सबसे पहले बड़ा टेस्ट करेगा, चलो। बड़ा मैं हूँ। हाँ बड़ा तुम, रुको रुको माइक देने दो मुझे तुमको, चलो खाओ। वाओ कैसा लगा टेस्ट? मेरा चादर कर दिया ना खराब, बोला था ना कि नीचे हाथ रख लेना। चादर नहीं किया। बस भाई यहाँ से भी आ रहा होगा ऑडियो, तुमने शुरू कर दिया। चलो तुम्हारी बारी, चलो तुम खाओ। अच्छा तुमने शुरू कर दिया है, मेक श्योर कि नीचे हाथ रहे, खा के बताओ। बहुत टेस्टी है। मैंने इतना बढ़िया रोल नहीं खाया यार लाइफ में, सच में यार। इतना भी तारीफ मत करो, फिर ऑडियंस लगेगा। मेरे भाई तू सच बोल रही हूँ, तू ठेला लगा दे, चाहे रेस्टोरेंट खोल दे, चाहे तू स्टार होटल खोल दे। खोलूंगा यार, सिर्फ इसके लिए लोग आएंगे तेरे पास, मैं गारंटी दे रही हूँ। अगर आपको टेस्ट करना है तो कमेंट कर बताना, एक दिन मैं प्लान करूंगा, ठीक है, मीटअप, उसमें मैं ये रोल बना के आप सबको खिलाऊंगा अपने हाथ से। पब्लिक तो बल्ले बल्ले हो गई। एक दुकान खोल देते हैं भाई, खुद से बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, वायरल हो जाएंगे। चलो भाई चुप कर, अब मुझे खाने दे। वाह। एक और मिलेगा ना? कोई मेहमान बाहर आया है, मैं बोली कि एक रोल उसको दे देने के लिए, लेकिन अब नहीं मैं खाऊंगी। मैं नहीं रोल मेहमान का है।
ये रोल मेहमान का है। भाई बहुत टेस्टी है ये रोल, बहुत ज्यादा। मतलब मैं हूं ना कोई लायक। आधा ले ले, ये आधा जो है बेटा आधा मेरा है, आधा ना खा के मैंने रखा है। मेरे आसपास के जो लोकल लोग हैं वो कमेंट करें कि आप चाहते हैं कि आसपास में शिवम रोल गए के स्टॉल लगाए। अभी लोग सीरियसली ले जाएंगे। मैं सीरियसली बोल रही हूँ भाई, मेरे से तो पूछ। तेरे से क्या घंटा पूछूं, तू करेगा जो मैं बोलूंगी। पटना में जो मरीन ड्राइव है वही लगाते हैं ठेला। इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ यार, उनको टक्कर नहीं दे पाऊंगा मैं। तुम कैसा आदमी है यार, हम लोग खाए नहीं है बाहर का रोल, कैसा सड़ा हुआ रोल मिलता है। हाँ, इसमें तो हाइजीनिक भी नहीं होता है। ये तो पूरा हाइजीनिक है ना, हर चीज एकदम हाइजीनिक, फुल्ली हाइजीनिक। और वैसे ऐसा नहीं है कि हम जब बना के बेचेंगे तो अनहाइजीनिक करके बेचेंगे। हमारे अंदर क्वालिटी है कि भाई कुछ भी हुआ, मान लो काम करते करते इधर खुजली की है तो फिर हाथ धोए, तो वो आदत है हमारे अंदर। एक चीज देखो, प्लेट हाथ पकड़ो, खाना नहीं। इधर देखो, यहाँ पे मैंने काटा था ना, इसी रूम में मैंने काटा था, तो प्याज गिरा हुआ है नीचे, लो खाओ। गिरा हुआ है वो बेटा, हाथ मत फैला इसमें, आधा इसको पहले ही खिला लेके भाग गई है, मैंने खिलाया नहीं। झूठा हाथ से छू दिया, मेहमान को देर में नहीं बनेगा। आराम। ये वाला वैसे भी थोड़ा सा इसका रोटी वो हो गया, लचीला हो गया। ये मंगल भी बचाया अभी। ये तीन मेरा है भाई। मंगल कौन है? अच्छा तीन में से एक उसको दे दूंगा, दो में खा लूंगा। चल मतलब टोटल तीन मेरा हो जाएगा और तेरा डेढ़। इधर मत देख, अब नहीं मिलेगा भाई, इसलिए जा रहे हम कि मैं बाहर का कम खाती हूं। मेरा बिस्तर नहीं खेलना चाहिए। आधा दो भाई उसको, नहीं छू दिया, ऐसे नहीं नहीं खाएंगे हम। नहीं ये गलत है, उसको दो भाई बराबर होना चाहिए। नहीं खाएंगे, छी ये नहीं खाएगी। अरे उसको बड़ा पीस चाहिए। हां झूठे, तू ना बोल, आधा तू आधा उसमें से दे, मैं आधा इसमें से दे रहा हूं उसको, तू दे ले। मेरे को नहीं, उसमें से तो नहीं चाहिए। छी कितना पसीना निकल रहा है उसके हाथ से। छोड़ फिर, मैं भी नहीं खाऊंगा उसका, वैसे तू रहने दे, तेरे जिन किस्मत में नहीं है। कोई बात नहीं, जाओ कोई बात खुद बना के जब खाएंगे तो थोड़ा और स्पेशल तरीके से खाने के लिए। तो लास्ट टाइम कुछ बोल दो, बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसे भी अच्छा बना सकते हैं। ऐसे बोल रही हो, जानबूझ के बोल रही हो, इसको नहीं मिला ना इसलिए। देखो मैं अपने भाई का घर छोड़ के, पिता का नहीं, अपने भाई का घर छोड़ के पिया के घर तभी जाऊंगी जब मुझे ऐसा रोल मिलेगा। तुम्हारा वो हर बार नहीं कुछ ना कुछ बोलती है। जितना मिलता है ना इंसान को उतना ही वो होता है। एक मिला था ना तुमको, वो तो कौन सा, मुझसे शादी करने वाले थे हम भी, टाइम पास कर रहे थे, मर रही थी शादी करने के लिए। झूठ मत बोलो तुम, फिर मैटर ले आई वो मुटका को। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि गिन्नी बड़ी बदतमीज है किसी को, किसी के शेप के ऊपर, वो साला दहेज मांगे तो ठीक है। रहने दो यार, वो टॉपिक बार बार नहीं बोलो, फालतू का है। लोग बोले थे उस पर हम रिप्लाई दे रहे हैं। नहीं नहीं रहने दो, ऑडियंस हमने उसके मोटापे को रिस्पेक्ट करके रिश्ता एक्सेप्ट किया, वो दहेज मांग रहा है तो कहां नहीं बोलेंगे उसको मुटका। अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, एक्चुअली नहीं है। उस लड़की को मैंने अच्छा गिन्नी की सहेली को दिखा दी। गिन्नी की सहेली ने दीदी का लाख शर्म छोड़ के मुझे खूब गाली दिया कि तूने अपने लिए ये लड़का पसंद किया था। चलो रहने दो, चलो चेंज ऑफ टॉपिक, रोल के बारे में बात करते हैं, है ना। चलो जा रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा। ए नहीं यार, देना यार मेरा, इसमें पेट नहीं भरेगा। चोरी हो गई, गिर गया, हटा रहे। ये तुम्हारा ही है ना, एक कटा काट ले बस। हाँ एक काट ले। चोरी हो गई रोल, बस शिवम की थरिया। चलो बस हमें जाना थोड़ा स्पेशल तरीके से खाने के लिए। अभी मैं बताऊंगी कि इसका स्पेशल तरीका कौन सा है। सीसी वाला पेप्सी मंगवा के पी रहा है ये भाई, इतना भी तलब नहीं होना चाहिए, काहे छिपा रहे हो तुम लोग, अंधे थोड़ी है हैं? दिखाओ सीसी, दिखाओ, तुम्हारा नहीं हो तो मेरा है, लाओ दो पब्लिक को, मैं झूठ बोल रही थी, दो। ठीक है, कुछ नहीं है, जा रहे हैं, चलो बाय। बहुत बड़ी, ये देख लो सीसी वाला, ये कांच कितना रेंट दिया हो इसका हैं? कितना रेंट देके मंगवाए हो? यूजुअली तो ये मिलता नहीं है कांच का बोतल, ये पीता नहीं हूं मैं, पीता नहीं है। आहा, पब्लिक तो फिर बहुत गलत सोच रही है तुम्हारे बारे में। तुम ऐसे लेके हाथ में बैठे थे तो पब्लिक को लगा कि तुम पीते हो। नहीं पीते हो ना? बिल्कुल नहीं पीता है दोस्तों ये,
इसके बारे में प्लीज उल्टा मत सोचिएगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा मेरे भाई के बारे में अगर आप उल्टा सोचेंगे तो, है ना? ठीक है, जा रहे हैं हम दोस्तों, तुम खा लो आराम से, ठीक है? चलो बाय।